नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं जीएस के एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कवर करूंगा, जिसका नाम है भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपको हर प्रकार के चैप्टर से अवगत कराऊंगा, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं छूटेगा। विशेषकर ये सीरीज़ UPPCS परीक्षा और सिविल सेवा की प्री परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, और साथ ही साथ इसमें अन्य परीक्षाएं जैसे SSC CGL या और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी इसमें उसके प्रश्न समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की नई सीरीज़। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस सीरीज़ में प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो नई वीडियो को प्रतिदिन पाने के लिए आपको इस चैनल को द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो पहले चैप्टर में मैं आपको भारत का संवैधानिक इतिहास बताना चाहूँगा कि भारत की संविधान को बनने में किस तरह से, कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, या भारतीय संविधान है वो किस तरह से भारत में एक चरण क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास होता रहा है। तो मैं आज इसका पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ, तो 2-3 वीडियो में आपका पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से, कितने चरणों से होकर अंतिम अवस्था में प्राप्त हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं भारतीय संविधान की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने से पहले आपको ये बता दूँ कि भारत में इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट या किसी तरह के जो एक्ट पारित किए गए हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सीधी सीधी बात यह है कि इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी के द्वारा भारत में शासन करने के दौरान काफ़ी कुछ अनियमितताएं होने लगी थी। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी स्वयं भारत में अपना निजी व्यापार करने लगे थे, जिससे कंपनी को बहुत ही अधिक घाटा हो गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई थी, तो कंपनी के घाटा होने के फलस्वरूप उसको ब्रिटिश सरकार से पैसा मांगना पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन इसके बदले हम आपकी गवर्निंग बॉडी में, मतलब आपको हम कंट्रोल करेंगे इंडिया में। तो उसी कंट्रोल करने के प्रयासों में ये एक्ट बनाए गए हैं। तो साल दर साल 10 साल 15 साल या 5 साल के अंतराल पे ब्रिटिश सरकार ने इन अधिनियमों को पारित किया है, और धीरे धीरे भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया का एक चरणबद्ध तरीके से विकास किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो M.N. रॉय ने 1934 में भारत के संविधान निर्माण का सुझाव दिया था। मैंने एक आउटलाइन लिखी है यहाँ पे 2-4 लाइनों की, इससे आपको ये पता चलेगा कि भारतीय संविधान को किस तरह से, एक तरह से शुरू किया गया। इसके बाद हम यहाँ से संवैधानिक एक्ट जो दिए गए हैं उनको हम चर्चा करेंगे। तो M.N. रॉय ने 1934 में भारत के संविधान निर्माण का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता की पृष्ठभूमि हेतु 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि संविधान सभा के गठन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसके लिए गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता की महसूस की गई थी, जिसमें इस सभा ने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक काम करके अंततः 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को बना लिया, और भारत का संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका ये संवैधानिक प्रक्रिया का चरणबद्ध विकास, जिसमें कंपनी के शासन का हम वर्णन करेंगे। तो कंपनी के शासन के अधीन जो भी अधिनियम आए हैं वो सन 1773 से 1857 की क्रांति तक आए हैं, क्योंकि कंपनी का शासन सन 1857 की क्रांति तक समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस भी एक्ट में, तो वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं या आने की संभावना है, आगे भी किसी न किसी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, इसकी आप बहुत ही अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे और अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि PCS 2017 का पेपर देखने के बाद ये महसूस हुआ है हमको भी कि अब पैटर्न थोड़ा IAS लेवल का आ रहा है, पैटर्न चेंज हो गया है थोड़ा। अब परंपरागत तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब हर चीज़ को कवर करके आपको पढ़ना होगा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से सभी प्रकार के क्वेश्चंस को वहाँ पे पेपर में पूछा गया था। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आपको भी अच्छी तरह से, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो हर प्रकार के प्रश्नों का मैंने इसमें समावेश किया है, तो आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं नियमित करने का कार्य किया। तो पहले ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापार करती थी, उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे भारत में पहली बार इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए गए, किसी भी प्रकार से उसको नियमित करने का प्रयास किया गया, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। इसके बाद है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो भारत में अभी तक व्यापार अनवरत रूप से बहुत ही इरेगुलर तरीके से हो रहा था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के बाद उसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कि भारत में एक केंद्र होगा, वहाँ से सभी प्रकार के क्षेत्रों को, सभी क्षेत्रों को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो इस अधिनियम से पहली बार भारत में इस कंपनी को राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता दे दी गई ब्रिटिश संसद द्वारा, क्योंकि इससे पहले कंपनी को कोई इस चीज़ का अधिकार नहीं था कि भारत की राजनीति में वो हस्तक्षेप करे या भारत में प्रशासनिक कार्यों को फैलाए। लेकिन सन 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से उसको ये अधिकार दे दिया गया कि आप प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में आप संलग्न रह सकते हैं भारत में कहीं भी कभी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा, सॉरी, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कंपनी के शासन के अधीन रॉबर्ट क्लाइव वगैरह जैसे गवर्नर जनरल थे, उनको अब सन 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल माना जाने लगा, कहा जाने लगा, जिसमें सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, जिसमें एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसके 4 सहयोगी सदस्य, तो कुल मिला के 5 सदस्य हो गए थे, जो कि 5 वर्ष के लिए गठित किए जाते थे। नेक्स्ट है, इस एक्ट के द्वारा बंबई एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, जिसमें विषय स्पष्ट नहीं थी। इसका मतलब ये था कि उस समय अंग्रेजों का जो शासन था वो कलकत्ता मद्रास और बंबई, इन 3 जगहों पर अच्छी तरह से फैला हुआ था। तो जिसमें भी सबसे जो प्रमुख जगह थी वो कलकत्ता या बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो उसमें भी जो गवर्नर जनरल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे अधिक शक्ति प्रदान की गई वो कलकत्ता के यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को सबसे अधिक शक्ति प्रदान की गई, और जिसमें भी बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरलों को उसके अधीन कर दिया। लेकिन ये विषय स्पष्ट नहीं किया गया था कि किन मामलों में वो इनके अधीन रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अधीन सन 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अधिक बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आपको इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि सर्वप्रथम सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम भारत में जो न्यायालय व्यवस्था आई वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। वर्तमान में तो उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है, लेकिन पहले कलकत्ता में था। तो जिसके जो चीफ जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है, सर एलिजा एम्पे, इनका आप नाम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनके सहयोगी न्यायाधीश भी थे जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे चैम्बर्स लेमेंस्टर, चैम्बर्स एक हैं, लेमेंस्टर दूसरे हैं और हाइड तीसरे हैं। तो इन 3 न्यायाधीशों को भी सहायक न्यायाधीश बनाया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखो ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया था, वो कंपनी के अधिकारियों का था, कंपनी के जो अधिकारी थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाते थे, तो उन पर नियंत्रण स्थापित किया। तो वही इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, मतलब कंपनी को गवर्न करती थी संचालित करती थी, तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया, जिसका कार्य यह था कि भारत में राजस्व, सैन्य मामलों और नागरिकों की जानकारी ब्रिटिश शासन को देना अनिवार्य था। तो ब्रिटिश शासन ने कंपनी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कंपनी की गवर्निंग बॉडी क्या करती थी कि राजस्व मामलों, सैन्य मामलों, सैन्य मतलब सेना से रिलेटेड मामलों और नागरिकों की जानकारी ब्रिटिश शासन को देती थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा पहली बार भारत में शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अगला सन 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसके द्वारा क्या किया गया कि इसके द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया।
मतलब ये कि कलकत्ता की जो सरकार है उसको और अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई, क्योंकि वो खुद अपने कलकत्ता यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नियम बना सकती थी और इसके साथ साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम बनाने का उसको अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और उच्च पदाधिकारी ही राजस्व वसूली का काम करते थे, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ गई थी। तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को राजस्व वसूली का अधिकार खत्म कर दिया गया, उसको केवल न्यायिक मामलों तक ही सीमित रखा गया। ठीक है, तो सन 1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन्हीं दो बातों के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जिसका नाम है सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। मतलब ये है कि कंपनी पहले व्यापारिक और राजनीतिक कार्य एक साथ करती थी, एक ही अधिकारी था वो दोनों कार्य करता था, लेकिन इस बार इन दोनों को विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया गया, जिसमें इसने 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जो कि 6 सदस्यीय था, जिसे राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अधिकार दे दिया गया कि भारत में जितने भी राजनीतिक मामले हैं, किसी पड़ोसी शासक या पड़ोसी राज्य पर आक्रमण या जो भी बातें हैं, उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा व्यापारिक मामले निदेशक मंडल के हाथों में रहे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अभी पिछले सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कंपनी के राजस्व मामलों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को केवल व्यापारिक अधिकार तक सीमित कर दिया गया, जबकि एक नया मंडल गठित किया गया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको जो है राजनीतिक मामलों की प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पे कुल निष्कर्ष ये निकलता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को व्यापारिक मामलों का अधिकार दे दिया गया। इस तरह से विभाजन कर दिया गया शक्तियों का, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इसने गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई। मतलब एक तो स्वयं बंगाल का गवर्नर जनरल और 3 अतिरिक्त सहयोगियों के साथ उनकी संख्या 4 तक सीमित कर दी गई। तो सन 1773 में हमने देखा था कि वहाँ पे सदस्यों की कुल संख्या 5 थी, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बम्बई तथा मद्रास को युद्ध, कूटनीति तथा राजस्व के मामलों में, ठीक है, ये अभी पिछली बार अभी कहा गया था कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, लेकिन विषय निर्धारित नहीं किए गए थे। तो अब की बार क्या किया गया कि युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामलों को निर्धारित कर दिया गया कि इनके मामले में ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तो यही कहा गया है कि बम्बई एवं मद्रास को कूटनीति, युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस बार विषयों को स्पष्ट कर दिया गया कि किस किन मामलों में उनको अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है इस अधिनियम में कंपनी के अधीन क्षेत्र यानी भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया कि कंपनी के द्वारा जितना भी क्षेत्र शासित किया जा रहा है वो पूरे ब्रिटेन का है, ब्रिटेन पर उसका क्षेत्र है। तो यहाँ पे केंद्रीकृत व्यवस्था को और बल दिया जा रहा है, ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। तो इस अधिनियम में कंपनी के अधीन यानी भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कंपनी के पूरे प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के हर कार्य पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी के अधिकारों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद अपने हाथों में शासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले रही है। नेक्स्ट है सन 1786 में एक छोटे से अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। तो इसके बाद एक छोटा सा एक्ट आया था सन 1786 का, तो उसमें गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति यानी मैन जो प्रधान सेनापति उसको घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है सन 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि इसी एक्ट द्वारा गठित किया गया था, इससे पिछले वाले एक्ट द्वारा, तो उसको जो राजस्व है उसके जो वेतन है तो उसको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है
इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है उनके अधिकारियों को जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, वो 1793 के अधिनियम द्वारा स्पष्ट किया गया है इसमें। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। इसमें क्या है कि इस एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ईसाई धर्म प्रचारक को ईसाई मिशनरी कहते थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले धर्म गुरु थे उनको ईसाई मिशनरी कहा जाता था, तो उनको भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई, मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा इस चीज़ की परमिशन मिल गई कि अब भारत में आप ईसाई धर्म को फैला सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में चीन तथा चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापार एकाधिकार सीमित कर दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चीन के साथ और चाय के व्यापार पर अधिकार रखा गया और बाकी के सभी को नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इसमें यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए शिक्षा पर जो खर्च किया गया वो सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के अधीन ही किया गया, जिसमें 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो कुल मिला के यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश संसद खुद अपने हाथों में शासन का नियंत्रण स्थापित कर रही है भारत में और भारत के लिए अच्छे कार्य भी यहाँ पे कर रही है, जैसे भारतीयों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है ये क्या है, इसको देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अभी हमने देखा था कि 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब ये है कि अब बंगाल जैसे कोई विशिष्ट शब्द की और ध्यान ना देते हुए पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार करने का पूरा प्रयास किया कि भारत को एक संपूर्ण स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश के अधीन कर दिया जाएगा। तो उसी प्रयास में उनका ये अगला कदम था अंग्रेजों का कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया, क्योंकि वही बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम था तो उसे ही भारत का पहले गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अभी पिछले वाले अधिनियम में जो 1813 का था उसमें अभी कहा गया था कि कंपनी का चाय और चीन के अतिरिक्त सभी व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी प्रकार के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करना था। मतलब ये हुआ कि अब ब्रिटिश कंट्रीज या से कोई भी कंपनी, कोई भी दूसरे व्यक्ति भारत में आके व्यापार कर सकती थी। इस पर अब केवल एकाधिकार नहीं था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके द्वारा सर्वप्रथम ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश भारत के संपूर्ण भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण था। तो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने का मतलब यही है कि एक ऐसी सरकार का गठन किया गया था अंग्रेजों द्वारा जो कि संपूर्ण भूभाग पर उनका पूर्ण नियंत्रण था, अर्थात वो ये काम करना चाहते थे कि पूर्ण रूप से भारत को उनके अधीन कर लिया जाए, अंग्रेजों के अधीन। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया जिसका नाम लॉर्ड मैकाले था। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उस पूरी कमेटी को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है कि विधि मामलों में, जो विधि के मामले थे उन पर विशेषज्ञ समिति का एक गठन किया गया था जिसमें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस कमेटी को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे एवं मद्रास प्रांत से, ठीक है, बॉम्बे एवं मद्रास प्रांत से विधि निर्माण का अधिकार गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया। ठीक है, तो अभी तक क्या क्या कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी वो अपने लिए विधि का निर्माण कर सकती थी, लेकिन अब उनका भी अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था, एक सेंट्रलाइज व्यवस्था का शुरुआत अंग्रेजों ने कर लिया था अब तक 1833 के अधिनियम तक। नेक्स्ट है इसमें एक यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रजा के साथ धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भारतीय प्रजा के साथ धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या रंग के आधार पर, अर्थात रंग के आधार पर मतलब ये है कि गोरे और काले, इस तरह का भेदभाव भारतीय प्रजा के साथ ना किया जाए। इससे ये सिद्ध होता है कि वो लोग भारत में एक तरह से शासन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो रहे थे
और उसी कदम में उन्होंने इन अधिनियमों को पारित भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1833 की चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए परीक्षा के आयोजन की बात कही। तो जो सिविल सर्विस थी, जैसे उस समय ICS का गठन किया गया था, लेकिन 1833 में इस बात की केवल विचारधारणा, केवल अवधारणा ही विकसित की गई थी, केवल ये बात कही गई थी कि भारत में सिविल सेवकों को एक परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक अनिच्छा की वजह से ये काम नहीं हो सका। बाद में यह काम 1853 के लगभग हुआ था। ठीक है, केवल यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई कि इस सिविल सेवा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। तो जो दास प्रथा की जो कुप्रथा थी, जिसमें व्यक्तियों को खरीद और बेचने का काम किया जाता था, उसको अंग्रेजों ने विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया कि ये काम इलीगल है, और उसको 1843 में पूर्ण रूप से उसका उन्मूलन कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा ये, कि इस तरह से दास प्रथा को अंत करने में उन्होंने मदद की थी। फिर ये बात ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट इसमें हमने आपको बताए हैं, उसको आपको सभी तरह से अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आगे आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी किसी भी परीक्षा में इन सब प्रश्नों को अच्छी तरह से बहुत ही डीपली पूछा जाता है, जिससे कि आप अभ्यर्थी की उच्च गुणवत्ता की जांच हो सके। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द GS प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तो नमस्कार।